नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। और आज इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूं 2024 का निचोड़, राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी से अक्टूबर 2024। ये मान के चलो कि ये जो क्वेश्चन है यहां से 5% आपके एग्जाम में हूबहू आपको मिलेंगे दोस्तों। तो जो भी साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले एक बार वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वर्तमान में आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी भर्तियों के लाइव बैच कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर अवेलेबल है, जाकर अभी उन लाइव बैचों को ज्वाइन करें और तैयारी में लग जाइए। कौन कौन से बैच है वो वर्तमान में उपलब्ध है उनकी बात हम क्वेश्चनों के साथ करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 27 जून 2024 को राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था, किसे किया था? तो यहां पे सही रहेगा, वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। ऑप्शन एक आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, 17 जून 2024 को प्रदेश के किस नगर निगम द्वारा 1611 मिनट का योग कार्यक्रम आयोजित कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? किसने किया है? क्या आप रीट की तैयारी कर रहे हो? जल्दी से बताओ, रीट, प्री या मेंस, अगर इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो कंप्लीट लाइव बैच कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर अवेलेबल है। वह फैकल्टी जिसके माध्यम से लिख कर ले लेना कि सफलता आपको जरूर मिलेगी दोस्तों। और ऑप्शन दो यहां पर जयपुर नगर निगम ग्रेटर के द्वारा दोस्तों, ऑप्शन दो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर तीन है, प्रदेश के ज्योतिषाचार्य जी ने 21 जून 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्पर्ध अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो कौन है? पंडित पुरुषोत्तम गौड़। पंडित पुरुषोत्तम गौड़ दोस्तों। क्या आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं? तो सेकंड ग्रेड का कंप्लीट लाइव बैच कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर अवेलेबल है। नेक्स्ट है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की किस देश द्वारा वर्ष 2025 में वुमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया से सम्मानित किया जाएगा? किस देश के द्वारा? जर्मनी देश के द्वारा। ऑप्शन एक आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर पांच, वर्ष 2025 का पटवा इंटरनेशनल ट्रेवल अवार्ड द्वारा डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है किनको? राजस्थान को। किनको चुना गया है? राजस्थान को। क्वेश्चन नंबर छह जून 2024 में नगर नियोजन हेतु प्रदेश के पहले बिल ड्राफ्ट को नगरीय विकास मंत्री ने मंजूरी प्रदान की, यह बिल किस नाम से जाना जाएगा? किस नाम से? रीजनल एवं अर्बन प्लानिंग बिल, रीजनल एवं अर्बन प्लानिंग बिल के नाम से। क्वेश्चन नंबर सात है, प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु 150 आईआईटी व 48 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में रखरखाव व प्रशिक्षण का जिम्मा किस कंपनी को सौंपा गया है? किसको सौंपा गया है? टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को, टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को। क्वेश्चन नंबर आठ है, किस अवधि के लिए प्रदेश भाजपा द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया गया? यह चलाया गया था 23 जून से 6 जुलाई 2024 के बीच, 23 जून से 6 जुलाई 2024 के बीच। क्वेश्चन नंबर नौ, 22 जून 2024 को प्रदेश के किस संस्थान को ईटी गवर्नमेंट पीएसयू लीडरशिप और एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को। क्वेश्चन नंबर 10 है, 19 जून 2024 को राजस्थान कलराज मिश्र, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा प्रदेश के कौन से विश्वविद्यालय में पहला संविधान पार्क है उसका लोकार्पण किया गया? किसमें किया गया था?
राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर। ऑप्शन दो आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, 19 जून 2024 को राज्य निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया है? नवीन महाजन को। तो राजस्थान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? नवीन महाजन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, जल जीवन मिशन में केंद्र व राज्य की वित्तीय सहभागिता कितनी? जेजेएम, जल जीवन मिशन जेजेएम, केंद्र की 45 है, राज्य की 45 है और शेष कितनी है? जो शेष जन सहभागिता है वो 10% है। वैसे कि यहां पर बात करूं तो 50-50, ओरिजिनल में केंद्र 45, राज्य 45 और जन सहभागिता 10, ये अनुपात है सभी में, ये सेंट्रल, ये स्टेट और ये जनता, ये सिस्टम है, समझ गए। अगला क्वेश्चन, एसएमएस अस्पताल जयपुर में बनाए जा रहे सबसे ऊंचे आईपीडी टावर का नाम, सबसे ऊंचा जो आईपीडी का टावर है उसका नाम आयुष्मान टावर, क्या रखा गया है? आयुष्मान टावर। क्या आप वीडियो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप पटवारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं? बताइए जल्दी से। इन तीनों भर्तियों के लाइव बैच है, वो कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है उस पर अवेलेबल है। कंप्लीट टीम, कंप्लीट डेमो क्लास एक बार ऐप पर आओगे तब आपको पता चलेगा कि इस ऐप में मिलेगा क्या दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, प्रदेश का पहला वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो कहाँ निर्माणाधीन है? कहां पर है? खातीपुरा जयपुर में। कहां पर है? खातीपुरा जयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर जून 2024 में प्रदेश के कितने शहरों के कायाकल्प हेतु 18,500 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? बताओ। 40 शहरों के कायाकल्प। कितने? 40 शहरों के कायाकल्प के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, भूगर्भ जल संरक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रदेश के कितने ब्लॉक डार्क जोन में पाए गए? कितने? 203। कितने ब्लॉक? 203 ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसरो द्वारा जारी किए गए एक अध्ययन जिसकी रिपोर्ट जून 2024 में जारी की गई, प्रदेश में मेथेन हॉटस्पॉट में शामिल स्थल है जैसलमेर, बाड़मेर, चिड़ावा, तारानगर, सभी है ये तो एक व दो दोनों, यानी तीन नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा 6 जून 2024 को प्रदान किए गए नवोन्मेषी किसान पुरस्कारों में प्रदेश की कौन सी महिला किसान सम्मानित हुई? कौन सी किसान महिला सम्मानित हुई थी? संतोष खेदड़। संतोष खेदड़। नेक्स्ट, प्रदेश के किस किसान को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा फेलो पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? फेलो पुरस्कार 2024 अचलाराम चौधरी को। किनको? अचलाराम चौधरी को। क्वेश्चन नंबर 20, 12 जून 2024 को राजस्थान पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो यह मनाया गया था आपके 75वां स्थापना दिवस। कौन सा? 75वां स्थापना दिवस दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 को शुरू किए गए प्रधानमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत प्रदेश में कितने पौधों को रोपण किया जाने का लक्ष्य रखा गया है? 7 करोड़ पौधे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, जून 2024 में बीकानेर की माया बिश्नोई ने किस स्पर्धा में एशिया कप का रजत पदक जीता? ऑर्चरी में या आर्चरी के अंदर? क्या आप चतुर्थ श्रेणी फोर्थ ग्रेड भर्ती या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं? तो कंप्लीट लाइव बैच कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर अवेलेबल है, जाकर आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट हाल ही में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को प्रदान किया गया,
ये किस तिथि को आयोजित हुआ था? 15 फरवरी 2024 को, 15 फरवरी 2024 को। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2024 का राजस्थानी भाषा का बाल साहित्यकार सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? किसे? प्रहलाद सिंह जोरड़ा को, प्रहलाद सिंह जोरड़ा को। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी नई दिल्ली का वर्ष 2024 का राजस्थानी भाषा का युवा साहित्यकार सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? किसे किया जाएगा? सोनाली सुतार को। नेक्स्ट, सोनाली सुतार को, किस काव्यकर्ती को वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? किस काव्यकर्ती का? सुंद सोंदु जग आंगणी, सुध सोंदु जग आंगणी। नेक्स्ट, प्रहलाद सिंह जोरड़ा के किस बाल साहित्य को वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी बाल साहित्यकार सम्मान प्रदान किया जाएगा? किसे किया जाएगा? मारी डाणी को, मारी डाणी। नेक्स्ट, राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2024 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? कौन सा जिला? झुंझुनू प्रथम स्थान पर, दूसरे पर नागौर, नागौर है क्या? तीसरे पर सीकर, यह क्रम था इनका। क्वेश्चन नंबर 29, 17 नए जिलों व संभागों का रिव्यू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 15 जून 2024 को बनाई गई कमेटी के संयोजक कौन है? कौन है? प्रेमचंद बेरवा। कौन है? प्रेमचंद बेरवा। इसके अंदर जो कमेटी के संयोजक है वो प्रेमचंद बेरवा है, राज्यवर्धन राठौड़, कन्हैयालाल चौधरी, हेमंत मीणा, सुरेश सिंह रावत ये सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2024 में प्रदेश का कुल एसडीजी स्कोर रहा कितना? रहा 59.11। नेक्स्ट, प्रदेश के किस विश्वविद्यालय की बोटेनिकल लैब को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है? किसकी? हर्बेरियम राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो बोटेनिकल लैब है उसको दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है, 16 जून 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कुल कितने मेगावाट की 4 सोलर परियोजनाओं को जमीन आवंटित कर मंजूरी प्रदान की है? किनको किए दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन, 2950 मेगावाट, 2950 मेगावाट। अगला क्वेश्चन, राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद पर 23 जून 2024 को निर्वाचित हुए हैं, कौन हुए हैं? अनिल व्यास। कौन हुए हैं? अनिल व्यास। नेक्स्ट, पश्चिमी राजस्थान का पहला रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेंटर कहां खोला जाएगा? कहां खोला जाएगा? कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में। नेक्स्ट, देश का पहला शहर जहां 5 सफारी एक साथ हो सकेगी वो है आपका कौन सा शहर? जयपुर शहर। कौन सा है? जयपुर शहर। नेक्स्ट, वर्ष 2024-25 के लिए विधानसभा की जललेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? किसे? टीकाराम जूली को, टीकाराम जूली को। नेक्स्ट, प्रदेश की सिंदेसर खुर्द माइंस विश्व की दूसरी सबसे बड़ी की खान बनी हुई है। किसकी खान बनी हुई है? चांदी की। सिंदेसर खुर्द में से चांदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी? कमला बेनीवाल। महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी थी? कमला बेनीवाल। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सुविधाओं में शामिल है सिस्टम 2 के तहत मिलने वाली डीजी हेल्थ रिकॉर्ड, टेली आईसीयू, जियो टैगिंग, तीनों है तो ये सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट, लालगढ़ रेलवे स्टेशन कहां स्थित है? लालगढ़ रेलवे स्टेशन है बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, युद्धाभ्यास अनंत विजय थार मरुस्थल में
अप्रैल मई में किस डिवीजन द्वारा आयोजित किया गया था? किसके द्वारा? रणबांकुरा डिवीजन के द्वारा। साथियों, इस वीडियो को अब तक आप देख रहे हैं, क्वेश्चनों का लेवल आपके एग्जाम के लेवल से है, चाहे आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, चाहे आप पशु परिचर, चाहे वीडियो पटवार, चाहे आप चतुर्थ श्रेणी, किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल आपके लेवल के हैं। तो एक बार देखो, लाइक वाला बटन यहां तक जो आया है दबाकर जाइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बाकासर बाड़मेर चर्चा में आया, भाई बाकासर चर्चा में आने का मुख्य कारण क्या है, बताओ, देखते हैं। अब देखो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कोई कर रहा है, लाइब्रेरियन की कोई तैयारी कर रहा है, कर रहा है क्या कोई? अरे पीटीआई की तैयारी कर रहा है, वीडियो की तैयारी कर रहा है, पटवार भर्ती की तैयारी कर रहा है। अगर इनकी तैयारी आप कर रहे हो, अरे रीट बच गई, रीट में सॉलिड पात्रता गारंटी, पात्रता वो पास कराने की गारंटी, जो साथी जुड़ेगा उसे पात्रता पास करवा के मानेंगे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर। इसके अलावा जेल प्रेरी का कोर्स है, पशु परिचर 10 टेस्ट मात्र 20 रुपए में, पशु परिचर का क्रेज कोर्स है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जिसका आज तक कहीं पे आपको कोई कोर्स नहीं है, हमारे यहां पे लाइव बेस स्टार्ट हो चुका है। आज तैयारी में लगेंगे ना, तभी हम एक नंबर पर आएंगे और अपनी मनपसंद जगह जाकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में ज्वाइनिंग ले सकते हैं, समझ गए? तो जाओ और ज्वाइन करो भाई, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, धड़ाधड़ जाओ। अगला क्वेश्चन, प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में सेमीकंडक्टर अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा? कहां पर? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रदेश की कौन सी महिला सरपंच यूएन में नवाचारों पर आधारित कार्यक्रम में शामिल हुई? कौन हुई थी? नीरू यादव। कौन हुई थी? नीरू यादव। क्वेश्चन 45, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान योजना में वर्ष 2024-25 में कितने भूभाग पर पौधारोपण किए जाने का लक्ष्य? कितने भूभाग पर? 70,000 हेक्टेयर पर। कितने भाग पर? 70,000 हेक्टेयर पर। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री वृद्धजन समान पेंशन योजना में कितनी पेंशन प्रदान की जा रही है? 1150 रुपए। कितनी? 1150 रुपए। नेक्स्ट, गांधीनगर वन्य जीव अभयारण्य कहां स्थित है? गांधीनगर वन्य जीव अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में, गांधीनगर रेलवे स्टेशन के अनुसार जयपुर मत कर देना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा प्रदान किए गए वर्ष 2023-24 के वार्षिक पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए, पुरस्कार और प्राप्तकर्ता, जो इनमें से सुमेलित नहीं है वो छांटना है। कन्हैयालाल सहल पुरस्कार राघवेंद्र रावत, राज्य राघव पुरस्कार पुरुषोत्तम पोमल, साहित्य मनीषी पुरस्कार वेदव्यास, देवीलाल सामर पुरस्कार बिलाल पठान। चौथा गलत है यहां पर सिर्फ, तो ऑप्शन डी, केवल डी यहां पर क्या है? सही सुमेलित नहीं है, बाकी पहला दूसरा तीसरा यहां पे क्या है? सुमेलित है। क्वेश्चन 49, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार किसे दिया गया? यह दिया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को, डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को। क्वेश्चन नंबर 50, वर्ष 2023-24 के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को उनकी किस कृति के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार प्रदान किया गया था? कुदरत सु कुचमाद। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 के लिए घोषित किए गए पद्मश्री सम्मान से प्रदेश के किन लोगों को सम्मानित किया गया है? किनको? तो देखिए, जानकी लाल, पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग, डॉक्टर माया टंडन, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, इनको सम्मानित किया गया। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। तो पहला कमेंट, 51 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए? अब सुनो एक बात, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, वीडियो, पटवार, लाइब्रेरियन, इसके अलावा रीट पात्रता, रीट मुख्य परीक्षा,
चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती, जेल प्रहरी, पशु प्रेचर भर्ती, सबके लाइव बैच, कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ये पर अवेलेबल है। हर एक भर्ती की टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट अवेलेबल है। जाइए कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड कीजिए और आज ही कोर्स ज्वाइन करके तैयारी में लग जाइए। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत।